देना चाहते हैं, सोम को अपने घर ले जाना चाहते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना, क्या होगा? देखिए, जिसे हमने बचपन से पाला और जो हमारे ही घर में रहा, तो हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो बच्चा इस घर से जाए। या तो बुआ को ऐसा लगता हो कि वो इससे बेटर लाइफ वहाँ पे लीड करेगा। डेफिनेटली वहाँ पैसा ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ पैसे मायने नहीं रखते, इमोशंस फीलिंग भी मायने रखती हैं। तो हम जानते हैं कि बलबीर भुल्लर जो है वो एक अच्छा इंसान नहीं है और नेगेटिव कैरेक्टर है, और हम नहीं चाहते कि किसी भी हालत में सोहम उस घर में जाए। और जिसे हम इतना प्यार करते हैं, हमने कभी समझा ही नहीं कि वो इस घर का बच्चा नहीं है। जैसा कि दिखाया कि उसकी जो मदर थी मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड थी, और कैसे करके मैं उस बच्चे को लेके आ गई थी यहाँ पे। सो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी, और जो उसके भाई भाभी जो जिस फैमिली में वो रहा है वो भी कभी नहीं चाहेंगे ये बात। और क्या सोहम भी ये चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे, क्या उनका क्या? बिल्कुल, सोहम यही चाहता है कि वो इसी फैमिली में रहे, क्योंकि उसे पता है कि हम उसे कितना प्यार करते हैं। और सिर्फ ये बात कि वो उस आदमी का बेटा है, सिर्फ वो जो कि उसे छोड़ के चला गया था, वो पैदा भी नहीं हुआ था जब वो आदमी उसे छोड़ कर चला गया था, तो ये बात मायने नहीं रखती है। सो हम उस घर में जाना नहीं चाहते। लेकिन बलबीर भुल्लर, क्योंकि उसको लगता है कि सारी प्रॉपर्टी के लिए, वो भी उसका कोई इमोशनल एंगल नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी पाने के लिए सिर्फ सोहम को यहाँ से लेके जाना चाहता है। इससे हट के सवाल करेंगे, कपिल का जो शो आप जाती है वहाँ पे काफ़ी सराहना मिलती, काफ़ी खुशी वहाँ पे मिलती है, अगर आपको दर्शक इतना पसंद करते हैं, तो अब दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे अपने? देखिए, आज तक मैं जिस भी स्टेज पे हूँ, जहाँ पे भी मैं पहुँची हूँ, उसका सारा श्रेय मेरे दर्शकों को ही जाता है। क्योंकि अभी भी जो भी अवार्ड्स मुझे मिलते हैं, या जितनी भी वोटिंग होती है या कुछ भी, तो वो सारा क्रेडिट मेरे दर्शकों को है। मैं आपको बताऊं कि मेरी लाइफ में कहा जाता है ना कि किसी को भी ऊंचाई तक या एक जगह तक, अच्छी जगह तक पहुंचाने के लिए किसी लेडी का हाथ होता है। तो मैं मानती हूं कि मेरी ज़िंदगी में दो लेडीज़ ऐसी हैं जिनका मेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़ा हाथ है मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए, एक मेरी मदर और एक मेरी बड़ी बहन। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में मुझे कभी किसी ने बहुत हेल्प की है अपने मेरे प्रोफेशन में, कि सक्सेसफुल होने के लिए, या मेरे को सपोर्ट नहीं मिला है ज़्यादा, मतलब जब मैंने अपना करियर की शुरुआत की थी। तो उसके बाद मैं मानती हूँ अपनी मदर और सिस्टर के बाद कि मुझे ये स्टेज पे लाने के लिए सबसे बड़ा हाथ भगवान का है या दर्शकों का है। जैसे कि जुदाई फिल्म जब मैंने की थी, तो भी लोगों को वो बहुत अच्छी लगी थी, और मेरा अब्बा डब्बा जब बहुत हिट हुआ था, आज भी वो हिट है, माय फ्रेंड गणेशा हिट हुई, फिर अब कपिल का शो है, कौन है ये आदमी, उसकी टी शर्ट्स बन गई हैं। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ लोग मुझे मिलने आते हैं, इतना प्यार मिलता है मुझे लोगों से, इतने अवार्ड्स ले रही हूँ मैं, उसका सारा सारा क्रेडिट जो है आप लोगों को है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सब लोगों का, कि आपने मुझे एक छोटी सी जगह से, जो इंसान आया होशियारपुर जैसी जगह से, वहाँ से आप लोगों ने मुझे बहुत ऊंचाई तक पहुँचाया है। थैंक यू सो मच। जाना चाहे जो बुआ जी हैं, ये तो इनका इंडस्ट्री में ऐसी लाइफ है, रियल लाइफ में क्या है, कुछ करना क्या चाहती हैं अपनी रियल लाइफ से, किस तरह की जिंदगी चाहती हैं? देखिए, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी से फुली सेटिस्फाइड होते हैं, और मैं वो इंसान हूँ जो मेरे को लगता है कि परमात्मा ने मुझे इतना दिया है, भगवान की मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि शायद मैं उतना डिज़र्व भी नहीं करती। तो मैं तो रोज़ जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मैं थैंक यू बोलती हूँ भगवान को, कि भगवान आपने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, इतनी अच्छे करियर दिया, जो मेरी हॉबी थी वो मेरा करियर बना, मैं उसमें सक्सेसफुल हुई, एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छे हस्बैंड, एक अच्छी फैमिली लाइफ। सो आई एम वेरी हैप्पी, मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं पर ऐसा तो होता है, हर इंसान आगे से आगे कुछ ना कुछ ऐसा चाहता है कि इससे भी अच्छा हो जाए, इससे भी अच्छा, लेकिन अगर मुझे कोई बोले तो मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ अपनी ज़िंदगी से, मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी कमी है। अच्छा, आपके न्यू ईयर का क्या प्लान है, नए साल की क्या कुछ तैयारियाँ आपकी चल रही हैं? न्यू ईयर पर मैं गोवा जा रही हूँ, मेरा गोवा में शो है, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, 31st को उनका बर्थडे होता है, तो हम लोग दोनों इकट्ठे वहाँ पे, एक तो पहले मेरा शो करेंगे हम 31st को, उसके बाद हम 1st को गोवा में रहेंगे, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे उनका बर्थडे भी और न्यू ईयर भी, और फिर 2nd को मैं आ रही हूँ क्योंकि कपिल का शो है, तो मेरे को 2 बजे की शिफ्ट है, तो मैं एयरपोर्ट से डायरेक्ट शूटिंग में आऊँगी। दर्शकों को न्यू ईयर विश दे दीजिए।
आप सबको उपासना सिंह की तरफ से नए साल की ढेर ढेर सारी बधाई हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, भगवान करे, वाहेगुरु करे कि वो पूरी हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू। थैंक यू। ये इंडो एशिया न्यूज सर्विस, इट्स अ इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किस काम के लिए भेजा था और क्या करके आई है? उस घर जाती है, इस घर को भूल गई। उस घर में जाती तो इस घर को भूल गई। सब जानते हुए भी तू उस घर में रहने की सोच भी कर ही सकती है? सब जानते हुए भी तू उस घर में जानते हुए भी तू वहां जाना चाहती है? हम सोहम के मसले में उससे डरते नहीं है। वो रज्जी के सहारे सोहम को अपने घर बुलाना चाहता है, लेकिन अब रज्जी उसे समझाएगी कि सोहम उस घर में कभी नहीं आएगा। हाँ। समझा दी ना सारी बातें उनको? जी बुआ जी, मैंने उनको अच्छी तरह समझा दिया कि सोहम उस घर में कभी नहीं जाएंगे। चलो जी, ये अच्छा। लेकिन मैं उस घर में जाऊंगी हमेशा हमेशा। होल्ड, चार।